ठीक है जी। अब देखिए, जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कैसे चलता है। सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? जैसे कि सेल का बिल हो गया, आपने सेल करी है उसका बिल, आपने कहीं से कुछ परचेज किया है उसका बिल, सैलरी का बिल, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको देखकर आप जर्नल एंट्री पास करते हो। आपने करी जर्नल एंट्री पास। जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हो बच्चे? आप लेजर बनाते हो। लेजर बनाने के बाद आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। और जब आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या है? फाइनल अकाउंट्स आपके दो तरह के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हो। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपको क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताता है शोज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, या आपने एक साल में कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया ये बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन। दैट मींस जो बैलेंस शीट है वो हमें शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसको हम सेव कर लेते हैं बेटा, आपके साथ में बाद में शेयर करूंगी। इसको व्हाइट बोर्ड को सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं और साथ ही साथ जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये होने चाहिए ट्रू एंड फेयर। क्या होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर। आपको मेरी आवाज आ रही फेयर है? आ रही है जी। ठीक है जी। तो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। ट्रू का मतलब क्या है कि ये जो अकाउंट्स हैं वो सच्चे होने चाहिए, और फेयर का मतलब है कि ये जो अकाउंट्स हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू इनसे पता चलना चाहिए, तभी अकाउंट्स बनाने का फायदा है। मान लो कि आपने सेल करी 10,000 की, आपने सेल करी 10,000 की और आपने बुक्स में गलती से एंटर कर दिया 1 लाख, 1 0 फालतू लगा दिया आपने, जैसे कि अभी अभी मैंने किया था। किसी से भी हो सकती है गलती। आपने सेल करी 10 लाख, 10,000 की और आपने एंट्री कर दी 1 लाख की, तो क्या आपके जो बुक्स हैं वो सही हुए? नहीं हुए। इसीलिए जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं उनको ट्रू एंड फेयर होना जरूरी है अगर आप उसमें से कोई रिजल्ट निकालना चाहते हो। अब देखो, मैंने तो उसमें 1 लाख की एंट्री कर दी, ये गलत एंट्री थी। अब इस गलत एंट्री को चेक कौन करेगा? ये कौन चेक करेगा कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो ट्रू और फेयर हैं कि नहीं? कौन चेक करेगा? ऑडिटर यस, ये चेक करेगा ऑडिटर। ऑडिटर कौन है? जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपका हेल्थ चेकअप करने के बाद आपको बताता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, उसी तरह से जो ऑडिटर है ये भी डॉक्टर है।
किसका डॉक्टर है ये डॉक्टर ऑफ बुक्स है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डॉक्टर है ऑडिटर, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। एग्जामिन करना मतलब चेक करना, जैसे डॉक्टर आपको चेकअप करता है ना, वैसे जो ऑडिटर है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकअप करता है, उनको एग्जामिन करता है और बताता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो आपको सुझाव देता है कि आपने जो एंट्री है वो 10,000 की पास करनी थी लेकिन आपने वो एंट्री 1,00,000 की पास कर दी है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। बता दिया ऑडिटर ने, तो आपकी गलती को ठीक करवा देगा ऑडिटर, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बीमारी को दूर करेगा ऑडिटर। तो ये है आपका पूरा कंसेप्ट ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ ऑडिटिंग क्यों है, नीड ऑफ ऑडिटिंग इसीलिए है, जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो सच्चे और निष्पक्ष होने चाहिए, ये जरूरत है ऑडिटिंग। ठीक है जी, इस व्हाइट बोर्ड को हम फिर से सेव कर लेते हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाद में। और जो ऑडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो और ऑडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको मैं यूट्यूब पे या फिर आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि सब लोग इसको दोबारा से देख सके जिन्होंने नहीं देखा। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अब अगर हम मीनिंग जानना चाहें तो क्या है, आपको मोटा मोटा फ्रेमवर्क समझ में आ गया ऑडिटिंग का। अब हमें करना है ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है। ऑडिटिंग इज व्हाट, ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं BOA लिखूंगी बेटा, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। एग्जामिनेशन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, चेक करना। एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस कौन करता है ये, कंडक्टेड बाय मतलब कौन करता है ये, कंडक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड पर्सन। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, एक अनपढ़ या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको कि अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, क्या वो कॉम्पिटेंट होगा, बिल्कुल नहीं। क्या एक इंजीनियर आपके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, क्या एक BSc वाला छात्र क्या आपके कंप्यूटर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, जिसको अकाउंट्स की समझ हो, सक्षम बंदा, एक सक्षम इंसान, कॉम्पिटेंट पर्सन। दूसरा, वो पर्सन निष्पक्ष होना चाहिए बेटा। निष्पक्ष क्यों होना चाहिए, मान लो मैंने अपने बिजनेस में अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए अपनी सहेली को रख लिया और मैंने उसको बोला कि इसमें जो भी गलतियां हो तो उसको इग्नोर कर दियो, क्या वो पर्सन अनबायस्ड होगा, बिल्कुल नहीं। वो पर्सन अनबायस्ड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब ये जो पर्सन है ये कौन होगा बेटा, इसी को तो कहते हैं ऑडिटर, कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड पर्सन। तीसरी बात क्या है इसमें, ये जो ऑडिटर है ये आपकी बुक्स का ऑडिट करेगा कैसे, कैसे ऑडिट करेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किन चीजों के साथ, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, सेल्स बिल, परचेज बिल जो मैंने आपको समझाया था, इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी उसको आपके बिजनेस से प्राप्त होगी उसके जरिए, एंड एक्सप्लेनेशन, और जो भी बात, जो भी एक्सप्लेनेशन बिजनेस पर्सन उसको देगा उसके जरिए वो आपके अकाउंट्स का ऑडिट करेगा और इसके बेसिस पे वो क्या बनाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच
ही गिव्स रिपोर्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके बेस पे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट में वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि आपके अकाउंट्स कंप्लीट हैं कि नहीं, आपके अकाउंट्स पूरी तरह से बने हैं कि नहीं, और क्या बताएगा, और बताएगा कि जो आपकी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है कि नहीं। बेटा ऑडियो ऑफ करो अपनी, ELV C1 ऑडियो ऑफ करो। वेदर बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, क्या आपकी बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन का सच्चा चिट्ठा बता रही है? बेटा जिसकी ऑडियो ऑफ नहीं होगी मैं उसको मीटिंग से रिमूव कर दूंगी बच्चे। और वेदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट या लॉस, सच्चा प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है या नहीं बता रहा। तो ऑडिटिंग क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेकअप जो कि एक ऑडिटर कंडक्ट करेगा, और ऑडिटर कॉम्पिटेंट और अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए। ये ऑडिटर आपकी बुक्स को ऑडिट कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। और ऑडिट करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा और उस रिपोर्ट में बताएगा कि आपके अकाउंट्स पूरे हैं, क्या आपकी बैलेंस शीट सच्ची है, क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट शो हो रहा है क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट ठीक है या नहीं। और इसके अलावा आपको ऑडिटिंग की डेफिनेशन करनी है बेटा, और डेफिनेशन आपको करनी है, बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है आपकी बुक में, मेरे को एक डेफिनेशन सबसे अच्छी लगी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी है और आपको समझ में भी आ जाएगी। आपने करनी है J.R. बार्टली बॉय की डेफिनेशन। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये सब नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे बेटा, ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब आपके साथ शेयर हो जाएगा और आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी शेयर हो जाएगी। चलिए जी, अब आया टाइम अटेंडेंस का।